राजस्थान के बूंदी जिले के 27 साल के श्रीराम मेघवाल अपने गांव के पहले दलित दूल्हे हैं जो घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात ले जा रहे हैं। 2022 में आज भी कई इलाके हैं जहां दलित समाज घोड़े पर चढ़कर ब्याह नहीं रचा सकता। आज उसके बारे में विस्तार से हम बात कर रहे हैं खुद श्रीराम से। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और हमारे साथ बात करने के लिए श्रीराम मेघवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी शादी के लिए। धन्यवाद सर। मुझे बताइए कि शादी से पहले क्या अरमान था आपका जिसे लेकर आप जो अथॉरिटीज हैं उनके पास गए? सर, शादी से पहले यही कि घोड़ी पे बैठ के जाएं बारात में धूमधाम के साथ। जब हम शादी कर रहे हैं तो धूमधाम के साथ जाएं, यही सबका सपना होता है, ऐसे ही मेरा भी था। बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि आपने कभी आप अपने इलाके में ऐसे सुना था, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ पास्ट में जब कभी? सर, बूंदी जिले में तो सर इतने गांव हैं, अब आपको क्या बताऊं, 50 गांव ऐसे होंगे जिनमें अभी भी दलितों को घोड़ी पे नहीं निकलने दिया जाता है। अभी पिछले साल की बात है, संगावदा गांव है, वहां पे भी बहुत बड़ा ऐसा बहुत प्रशासन बहुत आया था, फिर भी नहीं निकल पाई। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें दलितों को संविधान में समानता का अधिकार दिया है, तो उसकी पालना के लिए, और वो तो हमारा एक अधिकार है, वो तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको लगता है कि आप समाज में बदलाव लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अभी आपके गांव में अब आपकी वजह से एक नई प्रथा जो है वो शुरू होगी और जो कुरीतियां हैं वो एक तरह से पीछे जा रही है। लगता है मुझे सर कि अब जब भी अगर इस गांव में अगर दलित समाज की कोई शादी होगी तो वो भी उसी रास्ते से घोड़ी लेके आएगा और धूमधाम से आएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। सर, अब बताइए आपकी बीवी आपके इस काम के लिए कितनी खुश हैं कि एक नई शुरुआत आपने किया, इम्प्रेस है वो आपसे? हाँ सर, बहुत खुश है। अभी सर ज्यादा बात नहीं हुई, सुबह से मिले भी नहीं है। और आप करते क्या है श्रीराम जी? जी सर, मैं ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक हूँ, जॉब करता हूँ सर। तो प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रशासन का तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जिन्होंने मतलब इतनी हम मतलब 1% में हमें कोई आशंका नहीं होगी कुछ हो सकता है। जब हम वहाँ पहली बार जब हम पहुंचे तो हमारे पहले ही वहाँ प्रशासन वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों ने और प्रशासन ने 30 गांव आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें इस तरह की कोई प्रथा चली आ रही है, तो उनमें भी ये ऑपरेशन समानता के तहत पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए इस कुरीति को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आखिर में कोई और कोई ऐसी प्रथा है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं जो अभी भी आपके गांव या आपके समाज में है और जाति के आधार पर भेदभाव चल रहा है, वो कोई ऐसी प्रथा है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? सर, ये एक तो अभी भी बहुत से गाँव में जैसे किसी समाज का मंदिर है, जैसे ब्राह्मण समाज का मंदिर है, तो उसमें सर हमें दलितों को उस पर चढ़ने नहीं दिया जाता कि आपका अलग ही मंदिर है उस पर जाओ, यहाँ पे आपको ही इस पे आओ मत, तो आप चढ़ो मत, तो अगर पानी पी रहे हैं तो नल के पास नहीं जाने देते। अभी भी ऐसे बहुत से रिवाज है सर गाँव में चल रहे हैं और चल रहे हैं, जिन्हें एक एक करके तोड़ने की जरूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें भी सबसे पहले होंगे और उसमें भी आप शुरुआत करेंगे जिस तरीके से आपने इस कुरीति को तोड़ा है और इससे आगे बढ़े हैं। श्रीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। सहयोगी सलीम अली के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी के लिए।